तीन बंदर सो रहे हैं। है बेटू धाम की जू, खुद पे भी सुसु कर दिया, हौच पौच हो जाता है। बस एक साल की बात है, हम टेंशन हो गई। तुबा के लिए दोनों बटन वाले जो कपड़े होते हैं सही रहते हैं, देख रहे पर मुझे शर्म नहीं आती। तो जो पता है इस बेड पे चींटी कितनी आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और चीकू जा चुका है ट्यूशन, स्कूल से आ गया था टाइम पे वो, और अभी तीनों बच्चे सो रहे हैं। गोलू शावर लेने गई हुई है, मैं जा रही हूँ बस शावर लेने। चीकू के पापा गए हैं जिम, तो अभी तक की अपडेट यही है। अभी फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो यहाँ पे हमारे तीन बंदर सो रहे हैं, और ये जो तुबा ने कैप पहनी ना गाइस, ये मैंने कैप मंगाई है हॉपस्कॉच से, क्योंकि इसको ना सारी कैप्स जो है वो बड़ी आती है कि पूरी कैप जो है नाक के ऊपर आ जाती है, स्लीपिंग मास्क बन जाती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया था। मैंने तुबा के लिए 2 ड्रेस मंगाई है, 3 कैप मंगाई है, और 1 ड्रेस एक्स्ट्रा मंगाई है, वो दोनों में से कोई भी पहन लेगा लड़कों में से। तो सबसे पहली वाली ड्रेस है जो कि तुबा के लिए आई है। तुबा को ये वाली जो ड्रेसेस है ना, ये भी महीने के अंदर अंदर आने लग जाएगी। और वैसे तो तुबा के लिए ना मुझे बहुत सारी चीजें पसंद आई थी, पर मैंने यही मंगाई क्योंकि अब भी जो है बच्चों के ज्यादा कपड़े इकट्ठे करने का फायदा नहीं होता, क्योंकि घर में सारा दिन रहते हैं, घर में वो घर वाले कपड़े पहनते हैं। तो मैंने 2 ही ड्रेस मंगाई उसके लिए। अब दिखाती हूँ मैं आपको जैद और आयन के लिए जो मंगाया मैंने। तो ये एक ही सेट मंगाया मैंने, एक एक करके दोनों भाई पहन लेंगे, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी 2-3 सेट हैं हमारे पास। तो एक ये वाला सेट मंगाया मैंने, ये भी तुबा के लिए मंगाया है, और तुबा के लिए एक बहुत प्यारा बैंड भी मंगाया। वो बैंड देखिए पिंक वाला, ये मैंने जो है तुबा के लिए बैंड मंगाया है। जब थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी ना तभी बैंड के साथ ये वाली ड्रेस बनाऊंगी इसे। तो गाइस ये वाली जो कैप है ना, ये कैप मंगाई मैंने तुबा के लिए, क्योंकि उसको ना सारी कैप जो है बहुत लूज आती है, तो मैंने सोचा उसके लिए ना कैप मंगा लेती। तो मैंने ये बांधने वाली कैप बड़ी मुश्किल से हॉपस्कॉच पे मिल गई थी, तो मैंने 3 ऑर्डर कर ली थी। गाइस लंच वंच हो गया है मेरा, पायल का लंच वंच नहीं होता, सॉरी लंच हो गया मेरा पायल का, और साथ ही साथ ना अभी बज रहे दोपहर के 3, और मैं सोच रही हूँ कि काम करती हूँ, 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद फिर निकलते हैं मार्केट, क्योंकि आज हमें जाना है दोनों को मार्केट। बच्चों के लिए सॉक्स लेके आ गई है, सॉक्स खत्म हो गई है, और जो सॉक्स हम मैक्स से लेके आए थे ना बहुत अच्छी है, वो ना सॉक्स ना बच्चों के पैर में बिल्कुल फिट आती है, तो वाली सॉक्स लेके आ गई। तो गाइस जो प्लान था ना वो तो मार्केट का था कि मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे, बट क्या बच्चे तीनों बच्चे उठ गए थे, जैद भी उठ गया था, तुबा भी उठ गई थी, अयान भी उठ गया था, चीकू भी आ गया था ट्यूशन से, फिर हम सब बैठ के बातें बातें करने लग गए, तीनों बच्चों को फीट कराया। अब जैद अयान और तुबा तीनों बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, और बस मैं और पाल निकलते हैं मार्केट के लिए, फटाफट आते ही है, और जैसे हम आएंगे फिर इनका दोबारा से उठने का टाइम हो जाएगा। और गाइस पता है आज तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम मॉर्निंग ना 7 बजे उठ गए थे, नहीं 7 बजे नहीं उठे थे, 6 बजे उठे थे, अयान तुबा उठ गए थे, तो मैं पाल के साथ उठ गई थी, उसके बाद 7 बजे चीकू का स्कूल था, फिर साथ ही साथ हम लोग मॉर्निंग में 11 बजे के करीब 10-11 बजे सोए थे, और उसके बाद दोपहर को बिल्कुल रेस्ट नहीं करा। तो पायल सुन, मार्केट से आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना धूप सेकी जा रही है, शाम की धूप है बेटू, धाम की धूप, शाम की धूप। तो गाइस ये वाले तो पर्दा ना, ये वाला पर्दा मैंने खोल दिया कमरे को, और पिछले 1 घंटे से हम सोच रहे हैं अभी निकले मार्केट के लिए, अभी निकले, बट क्या बच्चे रोने लग जाते हैं, कभी कोई सुसु करता है, कभी कोई पॉटी करता है, कभी कोई कुछ करता है, तो ऐसे ऐसे करके ना टाइम निकले जा रहे, बस अब ना फटाफट पायल अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, तू भी आ जा। तो गाइस आज ना बहुत फनी इंसिडेंट हुआ है। फनी इंसिडेंट क्या हुआ है कि ना जैद और अयान दोनों को पॉटी आ गई। पहले ना अयान पॉटी कर रहा था, फिर जैद भी पॉटी करने लग गया, तो मैंने दोनों को साथ में रख दिया, नैनी पॉटी साफ कर रहे थे, तो अयान बड़े मजे से पॉटी साफ करा रहा, तो जैद ने क्या किया, जैद ने सुसु करा अयान के चेहरे पे, अयान पूरा गीला हो गया, अयान की टोपी गीली होगी, कपड़े गीले हो गए, अपने खुद पे भी सुसु कर दिया। फिर क्या बोलते पायल कह रही गोलू इसको समझा ले, मैंने कहा पायल मैं कैसे समझाऊं, मैंने कहा बेटा तुमको शर्म नहीं आती, इतना शरीफ भाई है, शरीफ भाई के साथ तुमने ऐसे किया है। तो यहाँ पे ना ये पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा बच्चा और है, चलो खुद खुद कोशिश करो, जिस दिन पलटी मारोगे ना बेटा उस दिन व्लॉग मिलूंगी आपको। तो बस मैं और गोलू रेडी हो गए हैं, फटाफट से जाते हैं मार्केट का काम खत्म करके आते हैं, क्योंकि बच्चों को छोड़ा है घर पे, बच्चों को लेके नहीं जा सकते हैं, बच्चों के साथ बहुत हौच पौच हो जाता है, एक को जाना पड़ता है मार्केट में, एक को नहीं जाना पड़ता है, एक बच्चा लेके गाड़ी में बैठती है फिर एक दुकान पे जाती है, तो गोलू को इतना कुछ समझ में आता नहीं है, फिर मेरे को इसलिए मैंने तीनों बच्चों को छोड़ दिया। तो गोलू को चप्पलें नहीं मिली गाइस, तो इसने पहन ली घर की स्लीपर। आजकल क्या हो गया ना हमें, क्या नॉर्मल हो गए। तो गाइस अभी हम आए हैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, अपने बॉयफ्रेंड के घर में आए हैं, और देखो इनका बहुत ही शानदार घर है, और घर में सब जगह हमारी फोटो लगा रखी है, इतना मिस करते हैं हमें। कपड़े देखो इन्होंने ये हालत कर रखी है, सारे कपड़े अपने अलमारियों में रखे हैं, और मेरे कपड़े देखो ये इन्होंने मेरी दुर्गति कर रखी है। आजकल ना इनको कपड़े लेने में बहुत मुसीबत हो रही है, ऊपर होते थे तो हम निकाल निकाल के दे देते थे, अब इनको यहाँ समझ में नहीं आता कहाँ क्या पड़ा है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद, बस 1 साल की बात है। तो चीकू ना काफी देर से नीचे खेल रहा हूँ, मैं उसे आवाज मार रही हूँ चीकू 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 चीकू, पता नहीं किधर है, एक बार फिर से आवाज मार के देखती हूँ कहाँ है चीकू। ठीक ठीक, मैं कब से ढूंढ रहे आपको, कहाँ घूम रहे हो आप? मैं तो आप B2 में क्या कर रहे थे? B2 में हाँ
किसी बच्चे ने बताया कि आप B2 में घूम रहे हो, हम टेंशन हो गई। ये मेरे साथ क्या होता है? तो वैसे तो हम कभी ना इनको वॉलेट देते नहीं है क्योंकि ये ना हमेशा वॉलेट ना भूल जाते हैं। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो आपका वॉलेट मुझे गाड़ी मिला, फिर ना जब इनका वॉलेट घूम जाता है ना मिलता नहीं है, ढूंढो ढूंढो 5 मिनट में ढूंढो मेरा वॉलेट क्या है, मेरा वॉलेट क्या है बताओ। इनका वॉलेट मैं संभाल के रख रही हूँ। गुनू कहाँ जा रही है? पायल मार्केट जा रही हूँ। शाम के टाइम काला चश्मा कौन लगा? यही तो पायल अपना अपना होता है, जो बंदा दुनिया में सबसे डिफरेंट होता है ना वो ऐसे रखता है। वैसे एक बात बोलूं, पायल चश्मा देखियो थोड़ा, अगर जैसे चश्मा आया ना गाइस पायल करिए, गुड्डू चश्मा टूटा हुआ है, ऐसे लग रहा था टूटा हुआ है ना। हाँ इसका डिजाइन ही है गाइस, इतने सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ पे सनफ्लावर है, और सनफ्लावर की ये पहचान होती है जिस तरफ सूरज होता है भैया वो उसी तरफ मुंह कर लेता है। बहुत सुंदर लग रहा है ना पायल? हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। आपको अभी इसका ना सिनेमैटिक दिखाती हूँ। गाइज बस यहीं पे जो है ना सॉक्स हमारे बच्चों के साइज की मिल पाती है, अदरवाइज नहीं मिल पाती है। कोलू कौन कौन सी पसंद की है? तूबा के लिए करी है। तूबा के लिए दोनों? हाँ। और बच्चों के लिए? हाँ। ये वाला देख, ये वाला सेट लेके गई थी ना मैं। हाँ, ये क्यूट लग रहा है। कितनी ली है तूने? एक ये लिए। हाँ मैंने ये लगा ले दोनों लड़कों के लिए। हाँ। और ये तूबा के लिए है। चल ठीक है। वैसे तो पजामी महंगी है लेकिन पजामी बहुत सुंदर है। देखियो तो ले ली, एक ले ली। ना ये वाला तो सेट तू लेके गई थी मेरे हिसाब से। नहीं ये तू लेके गई थी मैक्स से। हाँ पायल जो मैं सेट लेके गई थी ना। हाँ। वो मैं वहाँ से लेके गई थी, डी मार्ट से लेके आई थी मैं, डी मार्ट से लेके आई थी। मैं विशाल मेगा मार्ट भी गई थी गाइस, पर वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिर मैक्स भी आई थी पर मैक्स में भी समझ नहीं आया था, तो फिर मैंने डी मार्ट से लिया था। तो गाइस यहाँ पे ना पायल और भी कपड़े देख रही है, क्योंकि होता क्या है इतने सारे कपड़े पूरी अलमारी भरी हुई है, पर उसके बाद भी ना हम लोग सोचते हैं काम करते हैं बच्चों के लिए कुछ और ले लेते हैं, तो उसको 3 ये अच्छे लग रहे हैं। क्या वो नहीं पसंद आया बड़ा है? तो गाइस यहाँ क्या है, बाय 2 गेट 2 है, तो हम सोच रहे काम करते हैं 2 कैसे 2 फ्री होगा। तो पायल एक बात बोलूं, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बच्चों को राउंड नेक पिनाते हैं ना, तो देख ऐसे वाले गला वो तो जो गला है ना गाइस वो क्या हो जाता है, वो गला ना धोने के बाद ना खुल जाता है, वो बच्चों के ना शोल्डर से गिर रहे होते हैं। तो कभी भी बच्चों के लिए कपड़े ले लो, कपड़े लो ना तो हमेशा बटन वाले लो, बटन वाले जो कपड़े होते हैं सही रहते हैं। बोलू आया ना उसके लिए देखे सैंडो यार, एक हाफ कपड़े तो पहनते नहीं है, जब गर्मी आएगी तब देखेंगे। तो गाइस शॉपिंग हो गई है एकदम डन, तो हमने क्या बाय 2 गेट 2 का पूरा फायदा उठाया है। तो 3 टी शर्ट का एक सेट साथ में ड्रॉम पर्स सॉक्स सब कुछ ले लिया है। और ये ना क्या है, बच्चे जितने मर्जी कपड़े ले लो बट फुल स्लीव के कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि मौसम कैसा है चेंज हो जाता है, बच्चों को मच्छर काटते हैं, तो फुल स्लीव तो चाहिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं डी डिक्योर, और क्या बोलते हैं यहाँ पे ना हम लोग अपना AC की क्विल्ट देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने सोचा बहुत दिन बाद मार्केट आए हैं तो जो जो काम है ना सारे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रही है पायल AC क्विल्ट। पहले ना हम लोग ना बिना सोचे समझे मार्केट घूमते रहते थे, कोई मतलब नहीं था टाइम वाइम का, पर अभी क्या गाइस 7:40 हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और नैनी चली जाएगी 8 बजे, तो बच्चे अकेले हो जाएंगे। ऐसे अकेले नहीं है, लक्ष्य तो होगी बट फिर भी लक्ष्य तीनों बच्चों को संभाल नहीं पाएगी, तो हमें फटाफट भागना है घर के लिए। तो गाइस मैंने ये कलर लिया है, इसके पिलो कवर तो लाइट है पर बेडशीट जो है डार्क है, और हमें बेडशीट आके एक काम कर देना आप इसी में लगा के दो, फोटो पायल को ना डार्क वाला पसंद आएगा। तो गाइस अभी घर के लिए लिए हैं गोलगप्पे, साथ ही साथ ना ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए थे। आजकल क्या है रोज ना दलिया बन रहा है, तो काजू बादाम पिस्ता सब कुछ ले लिया, और गोलगप्पे लिए और दलिया हमने चीकू के लिए बन लिया। सब लोग देख रहे हैं पर मुझे शर्म नहीं आती। तो गाइस घर से निकलते निकलते ना 36 जो चीजें जो याद आ जाती है, उसी के साथ साथ ना हम लोग डी डिक्योर से निकलने के बाद हम लोगों ने और भी सामान लिया, केमिस्ट पे रुके, केमिस्ट पे जाकर हमने मैमी पोको पैंट्स और एक्टिव पैम्पर्ड। तो गाइस क्या है कि एक्टिव पैम्पर जो है ना वो लगाता है जैद, और मैमी पोको पैंट्स लगाते हैं अयान और तूबा। तो अभी हमें जो है मैमी पोको पैंट्स मिल गई, पैम्पर नहीं मिले हैं, तो पैम्पर मैंने भैया को बोला मंगवा दो। बेटी टाइम पता कितना हो रहा है? 7:15। और पापा ऊपर आ गए ना, आपको जितना डांटेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, पता है आपको? हेलो सर, क्या डांट? आप रोटी खा लो ना, केक के पीछे लगे हुए हो। तो गाइस अभी आया मेरे पास हांसी स्पेशल हांसी से कांजी वड़ा, तो मैं तो खा कर आई हूँ। एक धैर्य भैया देखे गए, पता नहीं कौन देखे गए, चिकू पापा के फ्रेंड देखे गए, ये नहीं पता। धैर्य भैया मजेदार, ये चटनी के साथ खाओ, बड़ा टेस्टी लग रहे हैं। हल्की सी खाई हो? चटनी नहीं खा सकती। मैंने खाई हल्की सी, मजे खाऊ। ठीक है तो बड़ा खा ले। गोलू ना कभी कभी इतनी बेवकूफी वाले काम करती है ना, समझ में नहीं आता, सारा दूध चादर पे गिर रहा है, हम बच्चे सोएंगे तो जो पता है इस बेड पे चींटी कितनी आती है। ठंडा करी थी मैं, तो ठंडा वहीं करके लिया यार तू तो ना गोलू, सच में मेरे को बिल्कुल पागल लगती है कभी कभी। एक बच्चे की माँ भी हो गई है फिर भी तेरे में अकल नहीं आई है बिल्कुल। कभी कभी हो जाती हूँ मैं ऐसी। तो इसने इतना सारा दूध गिरा देगा, इसके फोन पे अभी दूध गिरा था, इसने क्या किया फोन ना इस चादर पे लपेट दिया पूरा, ज्यादा की दूध गिर गया। मुझसे काम करती बेडशीट चेंज कर लेती, आज ही चेंज हुई है बेडशीट, कोई बात नहीं मैं कपड़ा लेके अकेला मैं साफ करूंगी। ठीक है। तो अभी मैंने भी ना कांजी वड़ा खाया, 1-2 खाए और पेट एकदम भरा भरा सा लग रहा है, पता नहीं आजकल ना कम सी भूख लगती है बाहर के खाने की, क्योंकि क्या पहले हम लोग बाहर जाते ना मार्केट तो मोमोज भी खा लेते थे, चिली पनीर भी खा लेते थे,
चाप भी खा लेते थे, बहुत कुछ खाते थे, पर अब बहुत कुछ अब नहीं खाते क्योंकि बाहर का एक तो फीड करा रही है, वैसे भी सही नहीं है और अब इच्छा भी नहीं होती। तेरे को पता है इसके पास एक हफ्ते से बेल्ट नहीं, रोज मैडम बोलती है गाड़ी में पड़ी है पीछे बेल्ट इसकी, वो तो इस ड्रॉअर में थी, गाड़ी में रख रखी इसने। बता नहीं सकता मुझे, रोज बिना बेल्ट के जाता है लड़का, मेरे को थोड़ी ना पता है। ये भी नहीं बताता आपको कि बिना बेल्ट, और आपको भी नहीं दिखता। अच्छा ब्लॉग में दिखता आपको, ब्लॉग में बोलते हैं हम लोग, मैं क्या छुड़वा दियो, ब्लॉग का देखता है जो टाइम का होता है, आजकल बहुत बिजी रहता है। आप बिजी रहते हो भैया आजकल। पायल सुन मैं क्या कह रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं आधा घंटा एक घंटा सो जाते हैं, थोड़ी सी शक्ति मिल जाएगी शरीर को, ठीक है। मेरा भी कुछ इच्छा नहीं है, मेरा मन है निंद्रिया के पास जाने का, निंद्रिया को ढूंढती हूँ, ले ली तेरी, इसका दूध पी ले थोड़ा सा, ले पीडिया श्योर है, हाइट बढ़ती है। तो गाइस आयान के साथ दिक्कत हो गई, आयान के साथ दिक्कत क्या हुई मैं बता देती हूँ आपको। आयान की ना जो स्किन होती है ना वो निकल रही है, और जैसे हमारी खाल निकल जाती है ना, चोट लग जाती है, वैसे हो रही है। तो एक सिर्फ यही बार बार जाग रहा, बाकी दो बच्चे आराम से सो रहे हैं, और मैं थोड़ी देर सो गई थी तो आधी नींद में उठी ना तो सर दर्द हो रहा था, तो अपने लिए चाय बनवाई, चाय बिस्किट खाऊंगी, इसको थोड़ी देर रिलैक्स कराऊंगी फिर सोऊंगी। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।